हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गेट सीएस कोचिंग में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी हमारे जॉब नोटिफिकेशन के बारे में मालूम चले। अगर आपको इस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का नोटिफिकेशन है जो कि अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए है। ये 30 मई 2022 को जारी किया गया है दोस्तों। इसके लिए आप फॉर्म फिलअप 1 जून 2022 से 30 जून 2022 तक कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी जारी की गई है वो 5636 पोस्ट के लिए है। इनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मेरिट बेस्ड है। यहाँ पर जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो क्लास 10 के मार्क और ITI के मार्क को एवरेज करके ही बनाई जाएगी दोस्तों। आपके क्लास 10 एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास आउट होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपके क्लास 10 में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। यदि आपने क्लास 10 बेस्ट ऑफ 5 या कोई अदर स्कीम से पास आउट किया है तो आपको फॉर्म फिलअप करते समय उन सभी सब्जेक्ट्स का मार्क आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर डिवीज़न वाइज, यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिफ़ाइन की गई है। यहाँ पर आप जिस भी ट्रेड और कैटेगरी की वैकेंसी देखना चाहते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रेड वाइज क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, जैसे फीटर के लिए ITI फीटर से पास आउट होना चाहिए। यहाँ पर कटिहार डिवीज़न एंड TDH वर्कशॉप यूनिट KIR की वैकेंसी दी गई है जिसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 919। इसके बाद आता है अलीपुर द्वार यूनिट APDJ, इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 522। उसके बाद आता है रंगिया यूनिट RNY, इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है 551। यहाँ पर अब आता है लमडिंग डिवीज़न एंड S&T वर्कशॉप यूनिट LMG, यहाँ पर इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है 1140। उसके बाद आता है तिनसुकिया डिवीज़न यूनिट TSK, इसका टोटल नंबर वैकेंसी है 547। उसके बाद आता है न्यू बॉर्न गाइगॉन वर्कशॉप NBQS यूनिट, इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1110। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है डिब्रूगढ़ वर्कशॉप DBWS यूनिट, इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 847। और एक बात, यहाँ पर सभी यूनिट की टोटल वैकेंसी 5636 पोस्ट के लिए ही है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 15 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए और 24 इयर्स कंप्लीट नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो एज काउंट होगी वो 1/4/2022 से ही की जाएगी। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं और आप OBC रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट 1/4/2022 को या उसके बाद जारी होना चाहिए। यदि आप एक सर्विसमैन हैं और आप एक सर्विसमैन रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यदि आप चिल्ड्रेन है एक सर्विसमैन या फिर आर्म्ड फोर्सेस के तो आपको पेरेंट का सर्विंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC के लिए 3 ईयर्स का दिया है, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स और एक सर्विसमैन के लिए 10 ईयर्स का दिया गया है। इसके लिए जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10 पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ और साथ ही NCVT या SCVT से ITI पास होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड से। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ है। यदि आप SC या ST या फिर PWD या आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फ़ीस नहीं है, यानी कि आप फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट हैं। चलिए अब आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई, मतलब आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। आपको इसके लिए ऑनलाइन जाना पड़ेगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट में। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जनरली इसमें आपका आधार कार्ड मांगा है, लेकिन मेन बात यह है कि इसमें सब कैंडिडेट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट जम्मू एंड कश्मीर से हैं, मेघालय और असम से हैं, ये कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते।
इनको छोड़ के जो अदर स्टेट्स से हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली इसे मैं क्लास 10 का मार्कशीट मांगा है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एज ए प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगा है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, यही सब इसे जनरली मांगा है। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय आपको फ़ोटो सिग्नेचर के साथ ये सभी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, जैसे क्लास 10 की मार्कशीट, उसकी सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट। ये इसके अलावा आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, साथ ही आपको कॉन्सुलेट मार्कशीट ऑल सेमेस्टर की या फिर आपको प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जिसमें मार्क्स इंडिकेट हो, और साथ ही NCVT के द्वारा जारी की गई नेशनल ट्रेड या फिर NCVT या SCVT के द्वारा जारी प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। और इसके साथ ही अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, यदि आप PWD कैंडिडेट है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, यदि आप चिल्ड्रेन है एक सर्विसमैन या आर्म्ड फोर्सेस के तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। यदि आप शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं तो आपको मेडिकल फिटनेस भी देना होगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर से साइन होना चाहिए, जो कि सेंट्रल और स्टेट हॉस्पिटल की असिस्टेंट सर्जन की पोस्ट से नीचे ना हो। यदि आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। चलिए अब आते हैं सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में। आप यहाँ देख सकते हैं एनेक्सर 1 में ये SC और ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, एनेक्सर 2 में OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आपने ऐसे ही फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो आपको फिर से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का जरूरत नहीं है। इसके बाद है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और जो हमारा लास्ट है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि ये नोटिफिकेशन उनको भी मालूम चले। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में रखे बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। थैंक यू।